नमस्कार, मैं निहाल एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल में 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल व्यापम ने साल 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इससे पहले ATS और फिर CBI ने इस मामले की जाँच की थी। बता दें कि व्यापम घोटाला उजागर होने का सिलसिला साल 2013 में शुरू हुआ था, जब इंदौर से 7 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापम घोटाले की जांच जुलाई 2015 को CBI को सौंपी गई थी, जिसकी जांच चल रही थी, जिस पर आज निर्णय हुआ है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले से जुड़े हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में 48 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना है। जब यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, तब सोनिया और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी और यात्रा के लिए वो राहुल गांधी के साथ होंगी। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 16 दिन रहेगी और इस दौरान राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे और साथ ही नर्मदा में स्नान भी करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरेगी। इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। यहाँ 16 दिन का पड़ाव रहेगा। यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचते ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होने के लिए आएंगी। इस बात के संकेत यात्रा के प्रदेश समन्वयक पूर्व मंत्री PC शर्मा ने दिए हैं। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां प्रतिबंधित हो चुके संगठन PFI के इंदौर में 52 पदाधिकारी तैनात किए थे। 52 में से एक हर तीसरे PFI अधिकारी पर नेता पर आपराधिक केस दर्ज हैं और इनमें से कुछ को जिलाबदर भी हो चुके हैं। PFI खुद को गरीब लोगों की मदद करने वाला संगठन बताता रहा है, लेकिन उसका षड्यंत्र जानने के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया है। इंदौर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर जिले में NIA और ATS के सक्रिय होने के बाद से कई मेंबर्स भूमिगत हो गए हैं। 2 दिन में NIA ने PFI के जिन नेताओं को पकड़ा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि वह तकनीकी चीज़ों के से बचने के लिए ऐप के जरिए कनेक्ट रहते थे। PFI पर बैन और उसके बाद मिल रहे खुफिया इनपुट में MP पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने उज्जैन आ रहे हैं, इसलिए पुलिस की चिंता और बढ़ गई है। पुलिस मुख्यालय ने PFI के प्रभाव वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसके आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव किसी कठिन पहेली से कम नहीं लग रहा है, जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अध्यक्ष पद की रेस में सबसे नया नाम और MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह का जुड़ गया है, लेकिन उनके अपने ही राज्य मध्य प्रदेश में उनके नाम पर पार्टी एक राय नहीं हो पा रही है। दिग्विजय सिंह समर्थक खुश हैं, लेकिन कुछ नेताओं की पसंद अभी भी राहुल गांधी बने हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उलझी गुत्थी सुलझाने के लिए भले ही कांग्रेस के नेता जोर लगा रहे हों, लेकिन और दिग्विजय सिंह का नाम अध्यक्ष पद की रेस में आगे आया हो, लेकिन दिग्विजय सिंह के नेतृत्व को लेकर मध्य प्रदेश में ही नेताओं के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। कमलनाथ समर्थक और कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा का बयान विरोध पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। कांग्रेस जिस विषम परिस्थितियों में है, उसमें राहुल गांधी ही पार्टी के तारणहार साबित हो सकते हैं। वहीं इस बीच दिग्विजय सिंह दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया। इसके बाद मीडिया से कहा कि नामांकन कल दाखिल करूंगा। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां कराटे की दुनिया में आयरन गर्ल के नाम से पहचाने जाने वाली ग्वालियर की निहारिका कौरव की वतन वापसी हो चुकी है। निहारिका कौरव गुरुवार को इंग्लैंड से ग्वालियर पहुंची। लोगों ने निहारिका का जोरदार स्वागत किया। साथ ही बता दें कि इंग्लैंड के लंदन में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में ग्वालियर की निहारिका कौरव ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम के बाद वह टर्की में आयोजित कराटे वर्ल्ड सीरीज में भी भाग लेने पहुंची, जिसमें भी निहारिका ने बेहतरीन दर्शन किया। गुरुवार को लंदन से ग्वालियर लौटने पर निहारिका का जोरदार स्वागत किया गया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खेल प्रेमियों ने निहारिका को गदा भेंट किया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।